फॉर एनी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में कोई भी स्पेक्ट्रल सीरीज होगी जिसमें ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल। वो जो ट्रांजिशन होगी, अगर उनकी ट्रांजिशन में एन टू माइनस एन वन का डिफरेंस वन है, एक लेवल ऑफ ट्रांजिशन है, एन टू शेल से एन वन पर इलेक्ट्रॉन गिर रहे, तो उसमें एच एल्फा लाइन बोलते हैं, मिनिमम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। एच मतलब कई बार ऑब्जेक्टिव में या पेपर में आ जाएगा डिस्कस एच एल्फा लाइन, एच एल्फा लाइन में ट्रांजिशन टू से वन पर होगी। अगर ट्रांजिशन का डिफरेंस मतलब दो शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है और वो कंजेक्टिव नहीं हो रहा, एक शेल छोड़ के हो रहा है, तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या होगा, टू, उसको एच बीटा लाइन बोलते हैं, और अगर थ्री होगा एच गामा लाइन बोलते हैं, और अगर इन्फिनिटी से एन इक्वल टू वन पे कोई इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो वो कौन सी केस है, मैक्सिमम एनर्जी का केस है, क्योंकि इन्फिनिटी से जब गिरेगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगी और एनर्जी मैक्स होगी, फ्रिक्वेंसी भी मैक्स होगी। एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल टू वन, जब इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू वन स्टेट पे होगा, हैज़ लोएस्ट एनर्जी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, केमिस्ट्री में किया हुआ है, क्योंकि एन इज इक्वल टू वन पे एनर्जी क्या होती है, -13.6 बाय वन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रही, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट ऑफ एटम बोलते हैं, ये भी डिस्कस किया हुआ है, ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें और वो एक्साइट होकर लोअर से अपर शेल में जाता है, हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी है। तो एक्साइटेशन एनर्जी के अंदर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू वन से एन इज इक्वल टू टू पे चला गया, तो एन इज इक्वल टू वन के पास उसकी एनर्जी कितनी थी, -13.6 बाय वन स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी कितनी होगी, -13.6 बाय टू स्क्वायर, दोनों का एनर्जी का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये ट्रांजिशन की एनर्जी है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है आपको इलेक्ट्रॉन को एन इज इक्वल टू वन से टू पे शिफ्ट करने के लिए। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी में वन से लेके थ्री तक है, तो वन का मतलब -13.6 बाय वन स्क्वायर है और थ्री का मतलब -13.6 बाय थ्री का स्क्वायर है, इनका डिफरेंस क्या है, 12.09 है। ये फिगर्स को जो ध्यान से देख लो, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा 10.2 सीधी वैल्यू गिवन होती है, आपको पता होना चाहिए 10.2 का मतलब है ट्रांजिशन वन से टू है, और सीधी वैल्यू 12.09 है, आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन कहाँ पर है, जो है वन से लेके थ्री है। इसकी एक्स्ट्रा शीट मिली थी, इसमें नहीं है, एक्स्ट्रा शीट मिली थी इसकी, ठीक है, जत्वे ले लेना। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के ही भाग गया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, हम बोलते हैं आयनाइज हो गया, एटम छोड़ के चला गया, यानी कि इन्फिनिटी पे चला गया। तो इन्फिनिटी पे अगर जाना है, कहाँ से गया, ग्राउंड स्टेट से गया, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होती है, -13.6, और इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या है, 13.6। तो 13.6 एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए ताकि आपका इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू वन शेल को छोड़ के एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चला गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए एक्साइटेशन एनर्जी हमने की थी। एक्साइटेशन एनर्जी में वन से सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन को भेजने की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो 10.2 वोल्ट मिला, तो 10.2 वोल्ट पोटेंशियल है जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, वन से टू पे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से इलेक्ट्रॉन को हटाओगे तो जो पोटेंशियल बचेगा वो एनर्जी जो है, वो जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल एक्साइटेशन पोटेंशियल है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एक्साइटेशन एनर्जी है, और अगर पोटेंशियल की फॉर्म में है तो एक्साइटेशन पोटेंशियल है। जैसे अगर आपका वन से लेकर थ्री तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इतनी एनर्जी इज एक्साइटेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो 12.09 इज एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो और कुछ नहीं करना है इसमें, कोई डेफिनेशन नहीं याद करनी, कुछ नहीं करना। और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी सेम है, आयनाइजेशन एनर्जी अभी डिस्कस की थी, आपको एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी तक लेके जाना है इलेक्ट्रॉन को, और आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी अभी हमने डिस्कस किया था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन हटा दो, 13.6 वोल्ट अगर आप एनर्जी देते, वोल्ट देते हो, पोटेंशियल देते हो, तो आपका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एन इज इक्वल टू वन को छोड़ के एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भाग जाएगा, 13.6 वोल्ट याद रखना। ठीक, तो ये कुछ नहीं है, ये एक्साइटेशन पोटेंशियल्स हैं और एक्साइटेशन एनर्जीज हैं, ये आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी की होगी।